तो फिल की फैमिली 2K24 का असली मजा सही में पीसी पर है, क्योंकि ना सिर्फ इसको आप 4K में देख सकते हो बल्कि इसमें जो मॉड्स है, ये चीज मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि 2K24 का जो पीसी वर्जन है इसमें मॉड्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जैसा आप देख सकते हो कि आज वाइट सिक्स की टीम फाइनली आ चुकी है, यानी अंकल ऑडी, डेक्स्टर लूमिस, जो गेसी और एरिक रोवन की टीम, और ये लोग चारों फाइट करेंगे रैंडी ऑर्टन, पुराने वाले ऑर्टन, बहुत ही मस्त मॉड है भाई, ओटीसी रोमन, जॉन सीना और पुराने वाले केन के वर्जन से। और फिर आर्मी, अगर इन केस आप टीवी पर या कोई बड़े डिवाइस पर ये वीडियो देख रहे हो तो फिर से याद दिलाऊंगा कि ये वीडियो भी 4K में, पीसी की जितनी भी वीडियो आएगी सब 4K में रहेगी। इससे पहले कि आप कमेंट करोगे भाई मैं तो मोबाइल पे देख रहा हूँ, मुझे क्या, मैं तो 144 पिक्सल पे देख रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया भाई, मैंने ये कमेंट वीडियो ही में कर दिया, ये करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये कमेंट करो कि क्या लगता है वाइट सिक्स की टीम जो आज डेब्यू कर रही है 2K24 में, सारे मॉड्स कितने खतरनाक है। तो एक बहुत ही अच्छा मॉडर है जिसका नाम है वॉट्स द स्टेटस, ठीक है, ये सारे मॉड्स उसी ने बनाए, बड़ा मस्त मॉड बनाता है भाई वो। कमेंट करके ये बताइए क्या लगता है कि वाइट सिक्स की टीम जो आज डेब्यू कर रही है 2K24 में जीत पाएगी ये रोमन, ऑटन, सीना और केन सर की टीम से, क्या लगता है मेरे को भाई? चांसेस सही बताओ तो थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि व्हाइट सिक्स के दो सुपरस्टार का ओवरऑल बहुत ही कम है, वो दोनों है जो गेसी और डेक्स्टर लूमिस। वैसे इनके अटायर के साथ इनका मास्क में उतार सकता हूँ, ये वाला फीचर भी था, लेकिन मैंने बोला कि चलो आज डेब्यू वाला है तो इसलिए मास्क रखा जाए क्या, और नेक्स्ट टाइम अगर व्हाइट सिक्स को मैं लेकर आता हूँ तो बिना मास्क के भी इनके लेटेस्ट कपड़े आपको दिखा दूंगा इस पूरे मैच में। हालांकि मैंने तीन तीन फिनिशर सबको दिया है, लेकिन सिर्फ केन सर के पास सुपर फिनिशर है, क्योंकि सारे ही मॉड है, ये 8 के 8 सुपरस्टार, कोई भी रियल वाला सुपरस्टार नहीं है, मतलब 2K24 का ऑफिशियल नहीं है, सबके सब मॉड है। ये अच्छा है भाई, 2K24 का जो पीसी वर्जन है ना उसपे सारे मॉड्स ही को रखेंगे, तो मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगा तो ज्यादातर सब मॉड्स ही वाली वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और जो PS5 वाला वर्जन खेलते हैं उसमें ऐसे भी ज्यादा ओरिजिनल। अरे ऑटन को कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं लपेट लिया, मतलब ये व्हाइट सिक्स की जादुई शक्ति कुछ ज्यादा ही काम आ रही है भाई। भाई भाई एक फिनिशर में लपेटा क्या एरिक रोवन ने? हाँ शायद एक फिनिशर भाई, ज्यादा मारा भी नहीं था ऑटन को, ये पुराना वाला ऑटन का वर्जन। नहीं नहीं, कभी कभी बैड लक हो जाता है, लेकिन ये भी बोल सकती हो कि व्हाइट सिक्स अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, एरिक रोवन को बैक टू बैक 2 सुपरमैन पंचेस और 2 स्पियर, लेकिन इसके बाद भी नॉकआउट नहीं हुए ऑटन के साथ भाई, जो हुआ है जस्टिस फॉर ऑटन, कोई बात नहीं ऑटन, ये वाले ऑटन भाई 3-4 पंट किक लगा के जाते, ये वाला मैंने जानबूझ के डाउनलोड किया था, क्योंकि कल मैं इनकी एक वीडियो भी देख रहा था ये वाले ऑटन की, कि कितने डेडली हुआ करते थे, जहां कुछ उल्टा सीधा किसी ने बोला उसके सर पे डायरेक्ट पंट किक और वो 2-3 महीने के लिए गायब, बहुत लोग गायब हुए थे, सीना तक को गायब कर दिया था ऑटन ने। हाँ वो अलग बात है कि सीना अपनी सर्जरी करवाने गए थे, लेकिन हाँ सीना का एपिक टाइटल रन ऑटन ने इंजर्ट करके खत्म करवाया था स्टोरी लाइन के हिसाब से। अच्छा ये नोटिस किया कि नहीं, स्मैकडाउन का न्यू अरीना है, ये सब ध्यान दिया करो, ये वाला अरीना उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ न्यू अरीना है, मैं और अच्छा वाला डाउनलोड कर लूंगा जो एकदम लेटेस्ट टाइप का लगे, ये भी ठीक ही लग रहा है, लोगो एटलीस्ट नया है। ये मॉडिंग कम्युनिटी को भाई बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मॉड्स नहीं रहे तो गेम मुझे लगता है कि एक महीना बाद पुराना हो जाए, देखने लायक नहीं रहे, क्योंकि WWE सुपरस्टार और अरीना ये सब तुरंत तुरंत चेंज होते रहते हैं और 2K अपडेट करते नहीं है, तो मॉड्स भाई बहुत ज्यादा जरूरी है ये 2K गेम के लिए। पुराने वाले केन मैंने इसीलिए डाउनलोड किया था भाई कि कुछ तगड़ी परफॉर्मेंस अपने को दिखाएंगे, फिलहाल तो वाइट सिक्स ने हालत टाइट करके रखी हुई है। सीना की टीम से एक आदमी एलिमिनेट भी हो गया और अभी एरिक रोवन ने टैग तक नहीं दिया पूरे मैच में अभी तक फिलहाल, ठीक है। अच्छा 2K को एक और नया फीचर बनाना चाहिए कि जितने भी मास सुपरस्टार है ना, मतलब मास वर्सेस हेयर वाला मैच होना चाहिए, क्या बोलते हो, बल्कि जो हेयर वाले सुपरस्टार भी है, ओके फाइनली 3-4 फिनिशर खाने के बाद एरिक रोवन एलिमिनेट हो गया, और अगर ध्यान से देखोगे तो अंकल ऑडी का भी नया टायर है, थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है टायर। अरे अंकल ऑडी क्या कर रहे हो यार, ये गलत बात है, सीना और रोमन सिर्फ बच गए, 2 vs 3 का मैच हो गया है, ये लोग एक एक फिनिशर में लपेट ले रहे हैं भाई तगड़े तगड़े सुपरस्टार को। आई थिंक ये केन सर का भी 80-90 था, चलो सीना ने भी 2-2 ए लगाया, ऐसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ये सीना का एक ही फिनिशर था, सुपर फिनिशर वाला मूव है भले ही ये, लेकिन ये एक ही फिनिशर था सीना का। रोमन संभल गए और सीना भी संभल गए, क्योंकि अंकल हाउडी जादू कर रहे, फंसा के पिनफॉल अगर हुआ ना, जादूगर है भाई अंकल हाउडी, देख रहे हो ना गेम के अंदर भी जादू, रोमन के स्पीयर रिवर्स कर दिया, रोमन देने जा रहे थे ओटीसी, पीसी वाले ओटीसी, पता नहीं मुझे लास्ट टाइम ही ऐसा लगा था कि पीसी वाले और ज्यादा डेंजरस है। वैसे फिल आर्मी याद है ना कि रोमन वर्सेस ऑटन होने वाला है इस महीने फॉर किंग्स फिनाले है, अब वो तो क्या हो गया,
देखा जाएगा। अच्छा पीसी में देखना है ये वाला या फिर PS5 में? PS5 ही में करेंगे क्योंकि पीसी से गेम भी खेलूंगा स्ट्रीम भी करूंगा ना तो लैग कर सकता है, इसलिए PS5 ही पे किया जाएगा ये रोमन वर्सेस रैंडी ऑर्टन। और दोनों के ऑफिशियली वर्जन रखेंगे या फिर OTC को रखा जाए? नहीं नहीं, वो चीटिंग हो जाएगा ऑर्टन के साथ। वैसे वो तो जब लाइव होगा तब लाइव होगा, लेकिन आज रात 8 बजे फेल गेम 2.0 पे लाइव होगा, आ जाना। और गेम का सजेशन आप फेल गेम 2.0 पे मैं क्या खेलूं ये दे सकते हो, फ्री फायर और पबजी मत बोल देना। 4v4 का मैच मुझे लग रहा था कि लंबा चलेगा यहाँ, तो मतलब अंकल ऑडी ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि दो सुपरस्टार एक एक फिनिशर में जा चुके हैं। रोमन फिनिशर मत खाना अंकल ऑडी का, या पूरी टीम ही का फिनिशर मत खाना, क्योंकि इन लोगों को चार चार फिनिशर लग रहे हैं एलिमिनेट करने के लिए। और रोमन और सीना पता चला, अरे बाप रे बाप, सारे पोजेस मार दिए अंकल ऑडी ने। रोमन टैग देने का रोमन का इरादा नहीं लग रहा है। अंकल ऑडी के पास दो फिनिशर और एक सिग्नेचर भी है, और रोमन के पास कुछ नहीं फिलहाल, फिनिशर ही देने जा रहे थे। कैसे तो रोमन ने अभी एक रिवर्स कर दिया, क्योंकि इन लोगों की एक एक फिनिशर में सामने वाली टीम एलिमिनेट हो रही है। ये आज फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, मतलब हाँ ठीक है एक एक सुपरस्टार के साथ ऐसा हो जाता है कि गलती से एक फिनिशर में एलिमिनेट हो गया तो वो हम लोग मानते हैं बैड लक, लेकिन यार केन और रैंडी ऑर्टन दोनों के साथ, चलो अगर एक और एलिमिनेशन ऐसे हुआ ना, यानी बैड लक नहीं, यानी कि ये अंकल ऑडी का जादू है जो कि बहुत टाइम के बाद आज देखने मिल रहा है। सीना ये जादू ना चल जाए, फिनिशर मत खाना। देखो अगर इस मैच में जीतना है तो सामने वाली टीम का एक भी फिनिशर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इन सबके फिनिशर में मुझे कुछ झोल की बू आ रही है। और ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि शायद वाइट सिक्स को एलेक्सा ब्लिस भी ज्वाइन कर सकती है, या फिर एलेक्सा ब्लिस वाला जो वर्जन नहीं था जो फ्रेंड के साथ आती थी, तो शायद सीना फिनिशर है अभी से लगाना स्टार्ट कर दो, वेट करोगे ना लास्ट के लिए तो कांड हो जाएगा। अंकल ऑडी की टीम मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुझे लगा था कि दो दो सुपरस्टार का ओवरऑल कम है तो ये लोग पिटेंगे, लेकिन ये तो भाई पूरी धुलाई कर रहे हैं। हाँ ये हो रहा है, ये लग रही है कि सुपर नेचुरल टीम है जो कम ओवरऑल होने के बाद भी देख रहे हो पिटे जा रहे। सीना देखो नॉर्मल मूव्स खाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बस फिनिशर अवॉइड करना। पता नहीं मैंने नॉकआउट क्यों ऑन कर दिया, अंकल ऑडी मैच में नॉकआउट ऑन नहीं करने का, पर पता चलता ये लोग एक एक फिनिशर देके पिनफॉल करवा लेते वो तो और बेइज्जती होती। ये तो चलो अभी मैं बहाना दे सकता हूँ सुपरस्टार्स की तरफ से, क्या गलती से नॉकआउट हो गए, लेकिन पिनफॉल हो जाता फिर क्या बहाना देता। सीना को पीटे भी पीटे जा रहा है ये गेसी, इसके पास तीन तीन, हाँ इसके पास भी तीन फिनिशर है। सीना टैग, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो टैग दे रहे हो। रोमन के पास एक सिग्नेचर एक फिनिशर और ये कॉर्नर में भी चला गया। रोमन हलवा मिल रहा है सुपरमैन के देने जा रहे थे क्या रोमन? नहीं नहीं नहीं, रोमन का फिनिशर छिनाया तो नहीं है, ये गेसी का फिनिशर क्या है? रोमन दो दो बार कॉर्नर में गया था भाई, ट्राई तो करना चाहिए था फिनिशर का। ये लोग भी एक आध फिनिशर में एलिमिनेट हो तब ना, पिनफॉल तो नहीं होगा रोमन, लेकिन ठीक है ट्राई करने में क्या जा रहा था, ऐसे भी ऑलरेडी इसके पास सिग्नेचर भी आ गया है ना। जितना जल्दी हो सके रोमन फिनिशर लगाना स्टार्ट कर दो, डबल टीम अप नहीं करना, कॉर्नर में ले ही गए तो हाँ डायरेक्ट सुपरमैन पंच स्पीयर खत्म जाएगा भाई। इसका ओवरऑल बहुत कम है, अगर सब एक एक फिनिशर में जा रहे भाई, ये लोग नहीं जा रहे एक एक फिनिशर में, पिनफॉल भी नहीं होगा। चलो ठीक है अब अंकल ऑडी की टीम से कोई मदद करने नहीं आ पाएगा। रोमन ये अच्छा चांस है टैप आउट करवा, ओके नो डिस्क्वालिफिकेशन है, वेपन्स मैंने नहीं 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 डाले ना भाई, नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच में ना सेव भर के रख देना चाहिए, ये लोग सेव वेब यूज करेंगे। रोमन काउंट आउट मत करवा लेना, सीना अकेले बच जाएंगे। रोमन क्या कर रहे, रोमन अटक है, जादुई शक्ति अंकल ऑडी की जादुई शक्ति, लेकिन रोमन पे काम नहीं आई। रोमन फाइनली अंदर आ गए, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा हरकत हुए जा रहा है। सुपरमैन पंच के बाद भी चलो शायद पिनफॉल हो जाए, इतना तो मार खा ही गया भाई, पिनफॉल करवा लेना यार। फाइनली 2v2 का मैच है ये, लेकिन अंकल ऑडी अभी भी बचे हुए हैं। फिनिशर और नहीं नहीं नहीं, फिनिशर मत देने देना, किसी को एक भी फिनिशर नहीं देने दिया रोमन और सीना ने, तब जाके भाई उसको एलिमिनेट किया रोमन फिनिशर। रोमन पे क्या ये जादुई शक्ति काम आएगी? फिनिशर नहीं नहीं नहीं, रोमन के ऊपर काम नहीं आए भाई, रोमन एक फिनिशर में नहीं गए क्योंकि OTC है, लेकिन रोमन बार बार फिनिशर मत खाते रहना क्योंकि सेकंड फिनिशर ओके, मुझे लगा सीना को स्पीयर लग जाएगा। अंकल ऑडी का एलिमिनेशन नहीं होना चाहिए पर पिट गए, बच गया। रोमन एक और एलिमिनेशन पक्का मैच जीता हुआ है, उसके बाद डेक्स्टर लूमिस बच जाएगा, उसका भी 70 में ओवरऑल है, लेकिन देख रहे हो ना ये लोग भाई आज कुछ भी कर सकते हैं। रोमन पांच ही काउंट का है, फिर से याद दिलाना चाहूंगा, अंकल ऑडी रिंग के अंदर चले आना, अटायर बड़ा सही लग रहा है, रिंग के अंदर जाओ दोनों रोमन रिंग के अंदर जाओ ना, या लेकर जाओ रिंग में, डबल काउंट आउट और बुरा है, पांच ही तक का है। रोमन छोड़ी के आ जाओ ना, आ जाएंगे अंकल ऑडी अपने आप से। अंकल ऑडी
अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद 5 काउंट आउट करवा लिया ना, रेफरी पे कोई जादुई शक्ति कर दो ताकि काउंट आउट करना भूल जाए। ऑलमोस्ट 5, अच्छा 5 कर ही दिया था पर अंदर आ गए ऑडी। रोमन एक फिनिशर ऑलरेडी लग चुका है, इसके बाद एक और लगा ना फिर मत बोलना कि कांड हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब अंकल ऑडी एक और फिनिशर के लिए, देखो हाँ पक्का ये जाने वाले एक और फिनिशर के लिए। पिनफॉल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, रोमन पास हालांकि रेजिलेंस मीटर भी नहीं है, चांस ही नहीं था भाई, पिनफॉल तो नहीं होने वाला है लेकिन नॉकआउट कर सकते हैं अभी भी। अंकल ऑडी फिर पोज़ोस मारने लगे, सीना टैग ले लेना लेकिन आके फिर फिनिशर ही देना। अंकल ऑडी पता नहीं क्या सोच में पड़ गए लेकिन इसका फायदा उठाना सीना, ए से नीचे बात नहीं करना, ये एसटीएफ लगा दो, एसटीएफ 5 नकल शफल, अरे कुछ तो लगा दो भाई, सोचते ही रह जाएंगे सीना, कांड हो जाएगा। मैं लिख के दे देता हूं, ये डेक्स्टर लूमिस टैग लेगा उसके बाद 3-5 चालू हो जाएगा। सीना सारे पोज आज ही मार लोगे, कुछ तो कल के लिए बचा के रख लो। ए बोला था मैंने, अब इसके पास भी 3-3 फिनिशर है ना, ये भी ओके, ये भी स्टाइल ही मारने वाला बंदा है भाई, फुल स्टाइल मारने में बिजी हो गया है। मैच को देखकर लग रहा है भाई आज अंकल ऑडी की टीम शायद जीत जाएगी अगर इसी तरह जाते रहे ये लोग। सीना अगर एक और एलिमिनेशन जल्दी से नहीं किया ना, दोनों पिट चुके रोमन और सीना, उतना नहीं पिटे रोमन की हेल्थ पता नहीं इतनी ज्यादा कैसे चलेगी, बॉडी भी येलो हेड भी ऑरेंज, हालांकि सिर्फ एक ही फिनिशर लगा है रोमन को लेकिन रोमन की हेल्थ इतनी कैसे चली गई है। सीना 3 फिनिशर लाके कोई फायदा है नहीं क्योंकि सुपर फिनिशर तो ये वाले वर्जन के पास है नहीं, तो 3 फिनिशर मत लाओ और एक आध फिनिशर अभी लगा ही देते क्योंकि अभी नहीं तो कब पर फिनिशर लगाने के ये मौका दे जेसी तब ना। 3-3 फिनिशर है भाई इसके पास, टॉप रोप ए के लिए जाने का ट्राई कर रहे थे क्या, डबल टीम अप करके ऐसे कोई फायदा नहीं है, रोमन के पास सिग्नेचर ही है, सीना के पास 2-2 फिनिशर है, ज्यादा हेल्थ भी है, सीना एलिमिनेट कर दो क्योंकि इतने इतने फिनिशर्स रख के अगर एलिमिनेट हो जाओगे ना अच्छा नहीं रहेगा। मैं बोल ही रहा था 3-3 फिनिशर लाके कोई फायदा नहीं है, सुपर फिनिशर है नहीं ये वाले सीना के पास, अब लगेगा इसका फिनिशर। ये पता नहीं जेसी ने 3-3 फिनिशर क्यों बचा के रखे थे। ओटीसी को टैग मिल गया है और ओटीसी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओटीसी गिलिटीन ही लगाते लेकिन ठीक है चलो एटलीस्ट सुपरमैन पंच दोनों से काम चल जाएगा। बॉडी येलो पिनफॉल नहीं होगा रोमन पर हाँ एक और फिनिशर देते हो तो जेसी का भी आई थिंक के ओवरऑल बहुत ही कम है तो शायद पिनफॉल हो जाए और अंकल ऑडी भी अब तो मतलब बचाने आ नहीं पाएंगे, एक ही बार आ सकते थे, ये बहुत अच्छा किया भाई टूके ने, तो टैग टीम मैच थोड़ा सा ढंग का हो गया है वरना हर बार पिनफॉल बचाने आ जाते थे लोग। गया जेसी अंकल ऑडी से बचे तो क्या अंकल ऑडी का टीम कैप्टन ऐसा होता है भाई, टीम जीते चाहे हारे लेकिन लास्ट तक सरवाइव करता है, ओपी टीम कैप्टन अंकल ऑडी और स्पीयर भी दे रहे हैं। बताओ ये क्या था इनका सिग्नेचर फिनिशर क्या था, जो भी था लेकिन फिलहाल रोमन और सीना सरवाइव कर रहे हैं और अंकल ऑडी ने केंडो स्टिक निकाल लिया है। अंकल ऑडी 5 मत करवा लेना, हाँ ठीक है चलो डेब्यू मैच में अगर हारोगे भी काउंट आउट से तो एक भाई टशन रहता है नहीं कि मार के हार गया मैं काउंट आउट से, लेकिन ऐसे नहीं हारना, जीतना या हारना रिंग के अंदर ही जाकर। फिलहाल तो लग रहा है कि अंकल ऑडी अब जाने वाले हैं, जितनी जादुई शक्ति थी सब काम आ चुकी है पर लास्ट में कुछ भी हो सकता है, फटाफट अगर सिस्टर अबिगेल और मैंडिबल क्लॉ लगा दिया तो अभी भी कांट कर सकते हैं शायद ऑडी। रोमन बस रिवर्स मत करवाना वरना गया जीता हुआ मैच, स्टैंड है क्या, स्टैंड हो जाएंगे। चलो भाई सीना 2-2 फिनिशर है फॉर द लव ऑफ मैनकाइंड, सीना अब लगा देना प्लीज। अंकल ऑडी नीचे निकल लिए, क्या चलाक है भाई, सीना ने रोका भी नहीं, रोमन भी ओ डबल टीम अप इसको बोलते हैं, भाई 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 ये गलत कांड हो रहा है इनके साथ, ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ टैग टीम मैच पे ये लोग घेर के मार रहे हैं, अंकल ऑडी को बाहर नॉकआउट कर दिया जिस वजह से सीना की टीम जीत चुकी है, लेकिन अंकल ऑडी की टीम ने बहुत जादू किया भाई, खतरनाक मैच था। तो फेल आर्मी याद रखना आज रात 8 बजे लाइव होगा फेल गेम 2.2 पे, और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना, और कौन से सुपरस्टार का मॉड देखना चाहोगे इस पीसी वर्जन में ये भी कमेंट करके बताना। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, ख्याल रखो सब।